दोस्तों टेक्निकल ऑटो टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये महिंद्रा की बोलेरो मैक्सी ट्रक गाड़ी है, तो ये गाड़ी चालू नहीं हो रही है और यहाँ पे इंजन का लाइट जो इंजन लिखा है वो ब्लिंक कर रहा है। उसका चेक लाइट तो आ रहा है लेकिन ये ब्लिंक कर रहा है और ये गाड़ी चालू नहीं हो रही है। एक बार वापस आपको मैं सेल्फ मार के दिखाता हूँ, एक बार सेल्फ लेगा लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगा और इसमें फ्यूल नहीं आएगा, फ्यूल मोटर ऑन नहीं होएगी। तो ये कंडीशन में अपन चेक करेंगे इसको। ECU लॉक हो गया है, इमोबिलाइजर गाड़ी हो गई है, कोड हो गया है, ऐसा बहुत सारा जन बहुत टाइप में बोलते हैं। तो अपन एक्चुअली देखेंगे कि क्या हुआ है। तो अपन मैंने स्कैनर है लॉन्च का X431 स्कैन पैड, उसको OBD को हुकअप किया हूँ मैं लाइट आगे ले, और अपन जाएंगे सीधा महिंद्रा में जाएंगे, ओके करेंगे। और यहाँ पे एक बार कमर्शियल में जाके फॉल्ट चेक करेंगे कि इसमें ये बोलेरो पिकअप है। रेड फॉल्ट कोड, तो यहाँ पे जो फॉल्ट आ रहा है P183F इमोबिलाइजर नॉट प्रेजेंट इन व्हीकल, और ये P1832 इमोबिलाइजर ऑथोराइजेशन एरर करंट में 1832 है जो ये बहुत सारा जो लॉक इश्यू होता है, तो इसमें ये 1832 और P183F ये फॉल्ट कोड आता है। तो इसके ऊपर अपन देखेंगे, और अभी ये EMS में देखा, अपन जाएंगे इमोबिलाइजर में भी चेक करेंगे कि क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। रेड फॉल्ट कोड तो B0044 नो ECM चैलेंज करंट में है, मतलब ये कोड ये ECM लॉक हो गए हैं। तो इसको अपन ओपन करेंगे, ये पूरा बैग जाता हूँ, उसके बाद जाएंगे सीधा ये जो पहला फंक्शन में उसमें बैग जाके जाएंगे सीधा इमोबिलाइजर में, और जाएंगे इमोबिलाइजर सिस्टम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। जाएंगे स्पेशल फंक्शन में, इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद है ना जाएंगे इमो सिंक में, अपन इमो सिंक करेंगे, वैलिड वन की करेंगे, ओके करेंगे। ये प्रेस ओके, ओके करेंगे, ये बोल रहा है कि प्लीज़ क्लियर DTC फॉर इंजन ECU एंड इमोबिलाइजर ECU, स्विच ऑफ इग्निशन 2 मिनट्स, इमो सिंक प्रोग्रामिंग कंप्लीट। तो ये कंप्लीट हो गया बोल रहे, तो अपन इसको अपन 2 मिनट के लिए ये बोल रहा है ओके करके है ना, ये ओके करो, ओके करने के बाद ECU और इमोबिलाइजर का जो DTC है उसको क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं। तो अपन थोड़ा बैक जाएंगे, बैक जाके अपन DTC को क्लियर करते हैं। ये DTC करेंगे, ये क्लियर हो गया, EMS DTC क्लियर हो गया, अभी एरियस EMO DTC भी क्लियर करेंगे। फेल टू कम्युनिकेट, चलो कोई बात नहीं। तो अपन उसको वापस एक बार चार देखता हूँ, फेल टू कम्युनिकेट, अभी उसको स्विच इग्निशन स्विच को मैं ऑफ करता हूँ, 2 मिनट के लिए ऑन करेंगे, जब तक ये मैंने ऑफ कर दिया। ये इसका मेन रिले कट ऑफ होने तक एक्चुअली 20 सेकंड बहुत हो गए, लेकिन फिर भी अपन 1 से 2 मिनट अपन उसका इग्निशन स्विच को ऑफ करके रखेंगे। इसको मैं चाबी को भी थोड़ा बाहर भी निकाल देता हूँ मैं, गाड़ी नहीं दे दी, तराश दे दी, ऐसा ही
अरे गाड़ी मस्त है रे, एक बार वायर चुहे लोग ने किए मगजमारी हो गई ना, ये इलेक्ट्रॉनिक की जब से ज़्यादा ही मगजमारी हो गई भाई। पहले सादी गाड़ी थी तो इतनी कहाँ मगजमारी करते थे बता ना। सबको ही लेट हो रहा है यार। सेठ जी उधर फोन करेगा तो मेरे को गाली देगा खा। अरे बोलना ट्रैफिक में वैसा देना गुच्छे। वो कभी लेके आके बदली करेगा भाई, कभी भी लाके लगा देना ना भाई। नहीं आएगा अभी, अपन इग्निशन स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं। ये लाइट आके चली गई। वापस एक बार दिखा था आपको मैं, ये मैंने इग्निशन स्विच ऑन किया, ये जो इंजन लिखा है वो ब्लिंक करती थी, अभी वो चली गई, मतलब अपना इमोसिंग बराबर हो गया। अभी उसको अपन फॉल्ट को वापस मैं एक बार क्लियर करता हूँ उसको, और गाड़ी चालू करके देखेंगे क्या हुआ। फेल टू कम्युनिकेट आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको अपन डायरेक्ट चालू ही करता हूँ गाड़ी को मैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई और वापस देखता हूँ फॉल्ट कोड क्लियर क्यों नहीं हो रहे हैं। ये क्लियर होना चाहिए ना। ये भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मैं इमोबिलाइजर में गया, ये इमोबिलाइजर ऑप्शन है इसमें गया, और यहाँ पे अभी क्लियर फॉल्ट कोड अपन ने किया। थोड़ा उसमें कभी नहीं होता है तो आपको थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दो तीन बार करना पड़ता है कभी, तो अभी दोनों फॉल्ट कोड एरियस हो गए अपने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया रहेगा, आ रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों, एक बार मैं वापस गाड़ी दिखाता हूँ।